मास एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास हम लोग अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो बॉडी एक्सीलरेशन को रेसिस्ट कर रहा है, तो ये रेसिस्ट यानी ये जो ओपोजिशन है वो उस बॉडी का इनर्शियल मास करता है। इनर्शियल मास को हम लोग मैथमेटिकली न्यूटन्स सेकेंड लॉ से दे सकते हैं, जैसे कि F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ पे ये जो m है, F इज अ वेक्टर एंड a इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। F कोई फोर्स हम लोग लगाएं किसी m मास के बॉडी पे, तो वो एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करेगा। ये मास एक्सेलरेशन को अपोज करेगा, इसे हम लोग मैथमेटिकली न्यूटन्स सेकेंड लॉ से शो कर सकते हैं। तो सपोज ये इक्वेशन वन। तो अब आते हैं ग्रेविटेशनल मास पे। तो जैसे कि हमने इनर्शियल लॉ से इनर्शियल मास को डिफाइन किया, वैसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ से ग्रेविटेशनल मास को डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर, इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि न्यूटन सर के हिसाब से इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड m1 m2, यानी अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, तो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों का डिस्टेंस सपोज r है, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये जो फोर्स है, यहाँ पे ये m1 और यहाँ पे ये m2 जो मास है, इसे हम लोग ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। तो सपोज कि हम लोग m1 मास के लिए लिख रहे हैं, तो ये F इंटू आर स्क्वायर बाय जी इंटू m2। एंड फॉर m2 F आर स्क्वायर बाय जी m1। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या बताता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें यह बताता है कि अगर कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, या वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाए गए ग्रेविटेशनल फील्ड से कितना अट्रैक्शन महसूस करेगा, ये डिसाइड इस मास से होता है, ऑब्जेक्ट के इस मास से होता है, यानी ग्रेविटेशनल मास से ये डिसाइड होता है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये उस बॉडी के ग्रेविटेशनल मास से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन को अपोज करेगा बॉडी, तो वो क्या हो गया, वो इनर्शियल मास हो गया। और अगर बॉडी स्पेस टाइम में है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का, वो ये है कि फोर डायमेंशनल कॉन्टिनम में स्पेस है, स्पेस टाइम का फाइबर है, उसमें जो मास है वो स्पेस टाइम में कर्व क्रिएट करता है। तो जो कर्व क्रिएट करता है वो कौन, वो कितना कर्व कितना कर्व क्रिएट कर रहा है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाएगा, तो इन कर्व्स के हेल्प से लगाएगा। अगर कोई बॉडी हेवी है, बहुत हेवी है, तो वो दूसरे बॉडीज़ में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इन कर्व्स के हेल्प से बनाएगा। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है, यानी ग्रेविटेशनल मास अगर ज़्यादा है, तो कर्व्स जो होंगे स्पेस टाइम फाइबर में वो ज़्यादा बनेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। वहीं पर जो एक और डेफिनेशन है, जो लाइटर, मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए मास क्या है, ग्रेविटेशनल मास क्या है, कि हम लोग
अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्थ की ग्रेविटी से, तो हमारे लिए मास, ग्रेविटेशनल मास ये डिसाइड करता है कि हम लोग कितने कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए ग्रेविटेशनल मास का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बीच का फ़र्क समझ में आया होगा। इनर्शियल मास को हम लोग इनर्शियल लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और ग्रेविटेशनल मास को हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ के इक्वेशन से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग ऐसा सपोज करें कि एक कोई बॉडी है हमारे पास जिसका इनर्शियल मास हमारे पास है m एंड उसका ग्रेविटेशनल मास है mu, तो ये जो रेशियो आता है ये जनरली सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए 1 आता है। यानी कि जनरल केस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं सभी के लिए इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास इक्वल होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वन वे इंटरैक्शन नहीं होगा, और आप लोग कमेंट्स करेंगे या और मुझे मेल्स करेंगे। सो विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।